इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 हमारे अतीत पाठ सात में हम पढ़ेंगे देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देसी जो जनता थी उसको सभ्य बनाना, शिष्टाचार सिखाना और राष्ट्र को शिक्षित करना अब अंग्रेजों का सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उन सारे जितने भी यहाँ के जनजाति थे, समूह थे, उन सबको अपना विचार, अपने जैसा रहन सहन सिखाना, बस यही लक्ष्य उन लोगों का था, क्योंकि सभ्य बनाना था उन लोगों को। किसके लिए? अपने लिए। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। सबका जिसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में तो जान लिए। राजा के ऊपर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा यह भी पता है, अंग्रेजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा यह भी हम लोगों पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग पिछले पार्ट में। किसान और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े ये सब भी हम 6-7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड 5 में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जानेंगे कि सत्ता में विद्यार्थियों पर क्या जीवन, विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, केवल वो ये नहीं चाहते थे कि हम भूमि पर ही नियंत्रण करें, वो यह भी चाहते थे कि हम विद्यार्थियों पर, शिक्षा पर भी नियंत्रण करें, संस्कृति पर भी करें। केवल उनका यह मकसद ही नहीं था कि हमें जमीन और यहां से होने वाली कमाई, दो चीज की लालच उन्हें नहीं थी। उनको था कि यहाँ के संस्कृति पर भी, लोगों के मन पर भी हम कब्जा कर लें। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, और यह भी जानते थे कि हमें यहाँ के रीति रिवाज को बदलना है। इसीलिए उन्होंने बाल विवाह और विधवा विवाह, इन सब पर कानून बनाए, बाल विवाह को रोका, विधवा विवाह को रोका, सती प्रथा को रोका और बहुत सारे रीति रिवाज को रोका, गुलामों का जो व्यापार होता था उस पर भी कानून बना कि उसके बाद ही गुलामों का व्यापारी रुक गया, गुलाम को बेचा खरीदना यह भी रुक गया। यहां पर देखो एक साइड में लिखा गया है भाषीवाद, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का ज्ञान और विद्यार्थी होता था, जानकार और विद्यार्थी होता था कई भाषाओं में। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, ये भी एक माध्यम था इन लोगों का कि इनको सभ्य बनाओ और अपने सोच के मुताबिक बनाओ, क्योंकि उन सबको नौकर ही बनाना है तो कितना भी तो कोशिश करना ही पड़ेगा। और कौन से कदम उठाए जाते थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे कि हमें क्या करना है, ये नहीं पता था उनको भी। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही और बहुत सालों तक इस पर बहस चली। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे? हम लोग तो जानते थे कि अंग्रेजी अंग्रेज की शिक्षा है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और बहुत लोग उस समय अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखता है वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं, और जो शिक्षा हम आज पा रहे हैं वो पिछले 200 साल में किस तरह विकसित होकर हमें मिल रहा है, इसके बारे में जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए आज की पढ़ाई जरूरी है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी
और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। और सबसे अलग बात इन लोगों का ये था कि सबसे पहले तो ये लोग विचार पकड़ते थे, तो भारत के लोग ब्रिटिश लोगों के विचार पर प्रतिक्रिया देते थे और अंग्रेज ब्रिटिश लोग भारत के विचारों पर प्रतिक्रिया देते थे कि इन्हें कैसे विकासशील बनाया जाए, कैसे इनको विकास कराया जाए, विकास के लायक बनाया जाए, मतलब कैसे इनको विकसित किया जाए। उसके बाद चला पच्चेवाद की परंपरा, ये सॉरी प्रचार्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जेम्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए, और कलकत्ता ही सब लोग आते थे, जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी अंग्रेजी सरकार के होते थे वे पहले कलकत्ता आएंगे, उसके बाद से ही कहीं जाएंगे, क्योंकि कलकत्ता उस समय का हब था और कलकत्ता को ही क्या मानते थे, कलकत्ता ही हमारा केंद्र था, हिंदुस्तान का केंद्र था कलकत्ता। उसके बाद दिल्ली बदल दिया गया और कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज अंग्रेजों का ही बनाया गया है, और जिस हावड़ा ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया है बीच में एक भी पिलर नहीं है, लेकिन सबसे अजूबा में आता है हावड़ा ब्रिज जो गिरता भी नहीं है, आज बहुत सालों से वैसे है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर गई है हिंदुस्तान को, ये लोग लूट कर नहीं ले गए हैं, लूट कर ले गए हैं कौन, लूट कर ले गए हैं बहुत पहले के सिपाही, जो जो मुसलमान पहले आते थे, मुसलमान तो नहीं कहेंगे क्योंकि वह भी लोग धर्म की बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि धर्म मायने नहीं रखता है, सोच मायने रखता है, वो लोग बस भारत को लूटने के दम से ही आते थे, उनको लगता था कि हम इनको लूट कर लेकर चले जाएंगे यहां से, और बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात यहां से लूट कर ले जाया गया। एक तो पृथ्वीराज चौहान से जो लड़ा था वो तो 18 बार हारा था, और उसका नाम था मोहम्मद गौड़ी। मोहम्मद गौड़ी जितना बार युद्ध लड़ने आया उतना बार हिंदुस्तान की प्रजा को लूट कर ले गया, हिंदुस्तान के मंदिरों को लूट कर ले गया, और 18 बार वो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौड़ी हारा था, और 18वीं बार जब पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन ही मिल गया, उनके दुश्मन दुश्मन नहीं बोलेंगे, वो उनके वाइफ के पत्नी के पिता थे, मतलब ससुर थे, रिलेशन वाले ही थे, वो जाकर क्या किए, वो मोहम्मद गौड़ी से मिल गए, और मोहम्मद गौड़ी अपना सेना लेकर और इनकी सेना लेकर तब हमला बोला, तो पृथ्वीराज चौहान को घेर लिया गया, और उसी समय उनको बंदी बनाकर वो अपने वर्मा ले गया, और वहां पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें को फोड़ दिया। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान क्या करना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे, तो बदला लेने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता लगवाई जिसमें उन पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण, मतलब आवाज सुनकर बाण चलाने की उनके पास कला थी, केवल आवाज सुनकर ही वो हमला कर सकते थे और किसी को भी मार गिरा सकते थे, ठीक। ये बात उसको नहीं पता था, मोहम्मद गौड़ी को नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला। तो फिर उसने प्रतियोगिता लगाया, प्रतियोगिता रखी कि ठीक है हम भी देखते हैं कि आपको कितना दम है। तो फिर उसके बाद से जब हुआ ये कंपटीशन, प्रतियोगिता हुई, तो उनके जो मित्र थे लेखक मित्र, उन्होंने बोला कि आपको 3 बार बोलना है, वार कीजिए वार कीजिए वार कीजिए, ठीक है 3 बार बोलना था। और वो लेखक जो थे वो पृथ्वीराज चौहान को बोल चुके थे कि हम आपको दोहे के रूप में हम बताएंगे कि निशाना कहाँ लगाना है। तो है क्या दोहा, 4 बांस 24 गंज, मतलब 4 बांस 24 गंज ऊंचा अंगुल अष्ट प्रमाण, वही निशाना है, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ठीक है फिर से बोलता हूं, 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण,
ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, इसको नौवा या दसवां में आपको पढ़ने को मिलेगा, नाइन्थ क्लास नाइन्थ में या क्लास टेंथ में। और जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उसके ठीक बाद लेखक ने पृथ्वीराज चौहान को चाकू भोंक दिया, चाकू मार दिया और फिर अपने आप को भी मार दिया, क्योंकि दोनों का था एक ही नियम था कि हम उसको मार देंगे लेकिन मेरे शरीर के साथ क्या किया जाएगा, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को खुद मार लें। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान का शव और करीबन 20 साल पहले ही वहां से लाया गया है हिंदुस्तान। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, लैटिन भाषा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था जिसमें रशियन भाषा आ जाएगा, अमेरिकन भाषा आ जाएगा। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे और उन्होंने बहुत सारा भाषा जानते थे, ग्रीक लैटिन फ्रेंच अंग्रेजी हिंदी तो जानते ही थे, फारसी भी सीख चुके थे, उर्दू उसके बाद से अरबी तो उनको आता ही था, बहुत सारे भाषा का जानकार थे वो। कलकत्ता में, और देखो इधर चित्र दिया है, विलियम जेम्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। फिर इसके बाद है, आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर अपने संस्कृत की बारीकी बारीकियां और उनके व्याकरण और संस्कृत काव्य का अध्ययन करने लगे थे। जैसे में वे तो सब चीज सीखे और रोजाना की तरह जब आएंगे संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर और उनके साथ संस्कृत की बारीकियां जानते थे और उसका व्याकरण और संस्कृत काव्यों को जानते थे और उसका अध्ययन करते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों के प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। किसका किसका? कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, आज भी अंकगणित संस्कृत में आता है, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने किया था और शुरू किया लेकिन किया हुआ था, इसके बाद तो कर ही लिया था ना। जेम्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पी रखते थे, और अंग्रेज अफसर इसलिए रखते थे क्योंकि हिंदी नहीं जानेंगे तो यहाँ के लोगों को समझेंगे कैसे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेपोलियन होल्डेज, यहाँ पर है सॉरी नैथेनियल होल्डेज भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग यहाँ की भारतीय पुस्तक को सीखकर और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने देश में ले जाकर उसको प्रकाशित करते थे, जैसे में कोलब्रुक और नैथिनिलिया होल्डेड भी यही काम किए दोनों जन, और प्राचीन भारतीय विकास विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। तो एशियाटिक जो चीज था, वो जो सोसाइटी बनाया गया था बंगाल में, एक जो टीम बना, वो टीम इसलिए बना था जिसके बारे में हम आगे जान लेंगे, एशियाटिक रिसर्च नामक शोध, और हर चीज को एशिया से ही जोड़ा जाता था क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में ये देश आते हैं हिंदुस्तान, इसलिए एशियाटिक यहां पर नाम दिया गया है। शोधक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, और ये जो मूर्ति दिख रहा है ना, यही थे हेनरी टॉमस कोलब्रुक, इस तरह इन लोगों का परिधान था कपड़ा,
वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धर्म ग्रंथों के विद्वान थे। समझो, बाहर के लोग आकर हमारी संस्कृति को पढ़ रहे थे और हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे थे, क्योंकि जो अपना होता है उसका कभी कोई ध्यान नहीं देता है, केवल दूसरे पर ध्यान देता है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और भारत के पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होते चला गया। और भारतीय परंपरा जो संस्कृति थी वो एकदम शिखर पर थी, पहाड़ के सबसे ऊंचली चोटी पर। शिखर उसी को बोलते हैं, सबसे ऊंचली चोटी, सबसे ऊंचली शिखर पर थी। लेकिन हमारे वैभव को खत्म करते हुए, हम अपने शिष्टाचार को खुद से खत्म करते हुए आज अपने आप को सबसे खत्म करने के कगार पर लग गए हैं। वैसे में परिधान में देख लो, इधर फट रहे हैं, उधर फट रहे हैं, इधर फटा पहना है। इससे बनिया कि पहना ही क्यों है, मत पहनो ना। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ को खोजना और समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत को जानना है तो उनके कानून और कानून ग्रंथों को खोजो और समझो, क्योंकि वही जरूरी है यहाँ के शासन को चलाने के लिए। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा किया जा सकता है। आधार मतलब भारत के फ्यूचर के, भविष्य के विकास के लिए इसी आधार पर नींव को रखा जा सकता है। नींव जो घर बनने से पहले रखा जाता है, नींव, वैसा ही भारत को बढ़ाने के लिए नींव की जरूरत थी, तो नींव बनाया जा सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। इन लोगों का था, कोलब्रुक और जोन्स का, दोनों ही प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद कर देते थे और उनको, और जो नहीं मिलता था उसको ढूंढ लेते थे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उसका अनुवाद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके नतीजे के बारे में बताएंगे। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। और इन लोगों का यह भी मानना था कि भारतीय संस्कृति सीखने का बहुत ज्यादा मदद हमें मिलेगा भारत का विकास करने के लिए, भारत की विरासत को दोबारा से शुरू करने के लिए। और जो इनकी लुप्त, हमारी जो वैभवता लुप्त होते जा रही थी, उसके बारे में समझने में मदद उन लोगों को मिले। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे, और अंग्रेज हमारे संस्कृति अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं, मतलब दोनों का पोस्ट, दोनों का काम कर रहे थे, दोनों काम। यहाँ पर देखो बॉक्स में लिखा गया है मदरसा, हमारे स्कूल बोलते हैं ना हिंदू भाषा में, हिंदी भाषा में स्कूल हो जाएगा, और मुसलमानी भाषा में स्कूल को बोलते थे मदरसा, जहां पर सीखने के लिए स्थान हो। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है, मतलब सीखने का जगह है, कुछ भी हो, हमारे लिए तो स्कूल ही है।
फिर देखते हैं, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देनी चाहिए। और बहुत सारे अधिकारियों ने यह दलील दी, सुझाव दी, आइडिया दिया कि भारत के विकास के लिए भारत के ही ज्ञान का, यहाँ पर जितने पुस्तक है यहाँ भारतीय ज्ञान है, उसको ही बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए और कुछ भी सीखने लिखने पढ़ने के लिए एक जगह होता है जिसको बोलते हैं संसाधन, जिसको संस्थान बोलते हैं। संस्था कोई भी स्कूल है तो वो संस्था है, कोई भी कॉलेज है तो वो संस्था है, तो उसकी स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिसे वे पहले ही परिचित हैं, पहले से परिचित थे उसी को पढ़ाओ जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, उन्हें अनजाने विषय की शिक्षा न दी जाए और उसे अनजान शिक्षा के विषय, अनजान चीज को नहीं पढ़ाया जाएगा। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे। और इन अफसरों का जो राय था केवल इसी में ही, इसी के अनुसार अंग्रेजों के पास ये रास्ता था कि वो भारत के लोगों का दिल जीत सके। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकती है और उसके बाद ही कोई बाहरी राजा आकर यहाँ के लोगों से आदर का भाव स्वीकार कर सकता है, चाहे उम्मीद भी कर सकता है कि हमें मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। किसका? अरबी फारसी इस्लाम कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा खोला गया। और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए थे तो अंग्रेज, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर दे दिए थे किसे, हिंदुस्तानी साइंटिस्ट को, हिंदुस्तानी गुरु को, और बहुत सारा मदद करते थे। और वही मदद बाद में उन लोगों पर काल बन के बरसा और देश से निकाला हो गया। ये चित्र बता दूं पहले? वही है, चित्र ही बताना है। चित्र 3, वारेन हेस्टिंग का स्मारक। यह वारेन हेस्टिंग का स्मारक है, रिचर्ड वेस्ट मार्कोट 1830, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। और ये कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में ये उपस्थित है, अभी भी है। आज उसको म्यूजियम बना दिया गया, संग्रहालय। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत के ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राचार्यवादी की किस तरह सोच थी और भारत के सत्ता के बारे में प्राचार्यवादी थे वहां पे, उनकी क्या सोच थी, इससे मालूम चलता है। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत के ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। और उनको ये विश्वास था कि जो भारतीय रीति रिवाज की परंपरा है, संज्ञा है, उसी का ही संपादन ब्रिटिश शासन में होना चाहिए, आधार मतलब न्यू बनकर इसी चीज को देना चाहिए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत स्थानों की शिक्षा दी जा सके, इसकी प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। और जब तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो देश का शासन कहां से चलाएंगे। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। उनमें से बहुत सारे
प्राचार्यवादियों के कूट आलोचक भी थे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्राचार्यवादियों के आलोचक भी थे, बहुत ज्यादा कूट आलोचक थे, छोटे मोटे नहीं, बहुत ज्यादा आलोचक थे। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे पूरब की जघन्य गलतियां, पूरब में क्या क्या गलतियां हुई थी इसके बारे में हम जानेंगे, तो इसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। और आप सभी को इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद, और हाँ अगले पार्ट में जरूर आना।